क्या मामला है जो आप यहाँ स्वास्थ्य विभाग आए थे? एक्चुअली मेरा नाम दुर्गेश रावत है, मेरी पत्नी कैंसर पीड़ित है। एक सेल्वी हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा था उसी की वजह से जो वहाँ पर एडमिशन हुए हैं, जो गलतियाँ हुई हैं नर्सिंग स्टाफ की तरफ से, उसके खिलाफ हम यहाँ शिकायत दर्ज कराने आए हैं। तो क्या है मामला सर ये सेल्वी हॉस्पिटल का? पूरा मामला है कि मेरी पत्नी कैंसर पीड़ित है, जिसका इलाज डॉक्टर एस पी श्रीवास्तव के सुपरविजन में चल रहा था। अच्छा, फर्स्ट कीमो बराबर रहा, सेकेंड कीमो में नर्सिंग की गलती, नर्सिंग स्टाफ की गलती की वजह से वो उसका कीमो जो विंग में जाना चाहिए था वो आउट होकर मसल्स में चला गया जी, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी पीड़ा और काफ़ी जलन महसूस हुई, और देखते देखते वो पूरा हिस्सा एक चार से पाँच इंच का हिस्सा पूरा जल गया, और उसकी प्लास्टिक सर्जरी होना है। अब आगे डॉक्टर ने जो इलाज बताया उससे कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं, और उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के साथ क्या किया कहने के इससे मुझे अभी कुछ अवगत नहीं कराया है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ने कोई सपोर्ट नहीं किया इसके आगे। अच्छा, इस विषय में आपने जो वहाँ के मेन डॉक्टर हैं जो भी, उनसे बात करी, उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनसे डॉक्टर, मेरी सुपरविजन जो डॉक्टर एस पी श्रीवास्तव है उनसे बात हुई, किसी से बात नहीं हुई है। और उन्होंने नर्सिंग स्टाफ एक दूसरे डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जन है सीमा मित्तल, उनको रेफर किया, तब वहाँ भी फिर हमारा खर्चा शुरू होने वाला था, तो इसलिए हम वहाँ से। मतलब आप गए थे वहाँ कैंसर के इलाज के लिए जी, और अभी जो उनके हाथ में जो उनसे गलती हुई जिस वजह से सारा हुआ मामला, हमारे कीमो पोस्टपोन होके आगे कब होगी इसका कुछ पता नहीं है, जब तक कि वो हाथ ठीक नहीं होगा तब तक कीमो नहीं आएगी, थर्ड कीमो नहीं देंगे वो डॉक्टर साहब। तो इसमें हॉस्पिटल प्रबंधक का क्या कहना? इसमें हॉस्पिटल प्रबंधक का भी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बस डॉक्टर साहब से कहना है, डॉक्टर साहब ने मुझे किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया है, उनका कहना है कि भाई इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और उसके बाद फिर कीमो स्टार्ट होगी। तो आपने उन्हें पूछ बताया नहीं सर कि ये आपकी गलती से ही हुआ उसकी प्लास्टिक सर्जरी? 24 तारीख तक तो उन्होंने मुझे बोला कि 24 तारीख तक उन्होंने देखा भी है, सैटरडे तक देखा है उन्होंने, इस हाथ को देखा है, 3 दिन 4 दिन बराबर देखा है उन्होंने, फिर ये छुट्टी क्रिसमस की छुट्टी मनाने चले गए बाहर, जिस वजह से इन्होंने बोला कि मुझे आप उसके रेगुलर फोटो भेजते रहिए, तो फोटो देखते 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 वो इतना वो गल गया वो हिस्सा कि उसके हमको प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगी। अच्छा, ये पेशेंट को जब रेगुलर देख रहे थे वो क्रिसमस उसके बाद छुट्टी मनाने चले गए? हाँ, छुट्टी पेशेंट छोड़ के वो छुट्टी मनाने चले गए, और बाद में फिर उन्होंने जब देखा कि हालत गंभीर होती जा रही है हाथ की, तो फिर प्लास्टिक सर्जन को उन्होंने रेफर किया, रेफर कर दिया है, जबकि वहाँ पर प्लास्टिक सर्जन का काम फिर अलग ही हो गया इनका, इन्होंने जो 4-5 दिन का 10 दिन का 1 हफ्ते का जो ट्रीटमेंट दिया जी, वो ट्रीटमेंट से उनकी कोई इसी की शिकायत करने हम यहाँ पर आए हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम दुर्गेश रावत है। दुर्गेश रावत, मेरी पत्नी प्रीति रावत है, जिसकी प्रॉब्लम।